ऐसा नहीं हो सकता फाहद। मुझे नहीं पता चला कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया। लेकिन इस वाकये को तो इतने दिन हो गए, तुमने कहा था पुलिस केस नहीं बनेगा, फिर अचानक पुलिस केस आ गई, वो भी इतने दिन बाद। रीबा, पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें उन्होंने साफ साफ देख लिया कि मैं उनसे झगड़ रहा था और वहां पर गोली चली है। सीसीटीवी फुटेज? वहाँ किसी दुकान में एक कैमरा इंस्टॉल था जहाँ से उनको सीसीटीवी फुटेज मिली है। फिर उस फुटेज में तो मैं भी नजर आई हूँ, क्या होगा अगर मेरे घर में सबको पता चल गया? रेहान तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई और मैंने घर में किसी को अपने अगवा होने का नहीं बताया। मेरे खुदा, अब क्या होगा? रीबा, पुलिस मुझसे उस लड़की के बारे में ही पूछने आए थे। तुमने क्या कहा, बता दिया उन्हें? तुम्हें लगता मैं इतना ही बेवकूफ हूँ? मैंने पुलिस को सिर्फ इतना बताया कि मैंने उस लड़की को अगवानों से बचाने की कोशिश की थी। हरीबा, चाहे मेरी जान भी चली जाए मगर मैं कभी भी तुम्हारी इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा। मेरा कुछ ऐसा खास रिश्ता नहीं है, महज तो हम सिर्फ कजन हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। जब मैं बीमार था तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। एहसान तो तुमने मुझ पे किया है फहद, मेरी जान बचाकर, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, कभी भी नहीं भूल सकती मैं। तो सोच कर भी काम जाती हूँ, अगर उस दिन तुम ना होते तो क्या होता? अगर वो लोग मुझे अगवा करके ले जाते तो आज तनी किस हाल में होती? तुम क्या करोगे फहद, पुलिस अगर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने आ गई तो? जानता हूँ वो एक बार नहीं वो बार बार आएंगे, मगर तुम बेफिक्र हो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें वार्न कर सकूँ। मेरे पुलिस में एक जानने वाले हैं जो एक अच्छे रैंक पर है, मैं उनसे बात करूँगा कि वो इस केस को किसी भी तरह सॉर्ट आउट करें। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। थैंक्स फॉर। The excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.